आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान में अध्याय 10 संविधान का दर्शन उसके भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। संविधान दो में हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विशेषताएं हैं संविधान की उसके बारे में पढ़ेंगे। ये विशेषताएं हैं तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसमें से मुख्य विशेषताओं को हम छांट सकते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है कि हमारा हमारा जो भारत का संविधान है वो बनाया गया है, निर्मित है और लिखित है, इसलिए बहुत बड़ा है, विस्तृत है, व्यापक है। तो ये एक विशेष संविधान सभा के द्वारा ये हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। उसकी भी आलोचना हुई कि उसमें कुछ सदस्यों को नहीं लिया गया। तो इसमें विधानसभा ने अपने भारत की वर्तमान स्थिति और आगे कैसी स्थिति आएगी उसमें देखते हुए उस संविधान में सभी अंशों को लिखा जो आने आ मतलब भावी मतलब दिनों में काम आएंगे। तो उसमें न्यायपालिका का गठन, उसके कार्य आदि के बारे में लिखा, नागरिकों के क्या-क्या अधिकार हैं। दूसरी विशेषता है विस्तृत एवं व्यापक, मतलब बहुत बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 4 परिशिष्ट है, और ये 22 भागों में विभाजित है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें 21 अनुच्छेद हैं, चीन में 106, सबसे बड़ा हमारे भारत का संविधान है। तो संविधान के बड़े होने का कारण यह है कि इस संविधान में सारी चीजों जितने भी सरकार के अंग हैं सभी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है ताकि कभी भी कोई खतरा ना हो। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा जो भारत है उसका संपूर्ण मतलब हमारा जब हम आजाद हो गए हैं तो भारत को अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी भी देश की अधीन नहीं है और उसकी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही उसके नियमों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार तीसरी जो विशेषता है वो हमारी है संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथी है समाजवादी राज्य की स्थापना। ये 1976 में 42वां संशोधन हुआ, पहले भी बता चुके हैं कि ये हमारी प्रस्तावना जो कि हमारी संविधान की आत्मा है उसी के दर्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कि सभी समस्त नागरिकों को अपनी उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये समाजवादी शब्द 42वें संशोधन द्वारा जुड़ा। पांचवा है धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। ये भी जो हमारा 42वां संशोधन हुआ 1976 में, तो ये धर्म निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई 42 में, और इसमें ये शब्द जोड़ दिया गया और सभी नागरिकों को अपने धर्म में पूजा की स्वतंत्रता, अपना धर्म पालने की क्या है स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये धर्म प्रत्येक नागरिक अपना अपना मान सकता है, इसकी पूर्ण क्या है स्वतंत्रता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी ये धर्म निरपेक्षता पर ये इस प्रकार कहा गया था। फिर अगली विशेषता है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। भारत में संघात्मक है लेकिन राष्ट्रीयता एक ही है, भारतीय है और एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो मतलब वो संघात्मक होते हुए भी इसमें कभी कभी शक्तियां एकात्मक होती हैं। जब आपातकालीन की स्थिति होती है तो संविधान संघात्मक ना रहकर एकात्मक हो जाता है। और भारत में एक एकात्मकता का उदाहरण है कि यहाँ पर इकहरी नागरिकता है भारतीय। कभी भी किसी भारतीय को यह नहीं बोला जाता है कि ये इनकी नागरिकता मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, भारतीय नागरिकता बोला जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मक, केंद्रीय सेवाएं एकात्मक संविधान के
एकात्मक मतलब विशेषता है, ये पूरे भारत में होती है। सातवां है सुदृढ़ केंद्रयुक्त एवं राज्य की स्थापना, मतलब यहाँ पर संघात्मक है, कुछ शक्तियाँ राज्यों को सौंपी गई हैं, कुछ केंद्रों को सौंपी गई हैं, तो केंद्र को भी अधिकार दिए गए हैं और कुछ है समवर्ती सूची। तो इस प्रकार जो शक्तियां बची हुई हैं वो केंद्रीय व्यवस्थापिका में आ जाती हैं, जिसे संविधान में हम संसद के नाम से पुकारते हैं कि संसद को कुछ शक्तियां दी गई हैं। उसके बाद है लोक कल्याणकार, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे भारत देश में नागरिकों की सुविधाएं बहुत सारी दी गई है नागरिकों को, तो और उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और इस प्रकार नौवीं विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सब कुछ है, ये लिखा हुआ है, हमारा विस्तृत संविधान है। लेकिन कभी कभी विवाद हो जाता है, जैसे ये आप याद रखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, इसमें जो मौलिक अधिकार से संबंधित न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, कोई भी संशोधन नहीं होगा, लेकिन संसद ने इस पर संशोधन कर दिया। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन संसद को कभी कभी किसी के हित के लिए इस संबंध में संविधान के संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो संविधान ने ही संसद को संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, क्योंकि संसद नियमों को बनाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो अधिकारी हैं कार्यभार ग्रहण करने से पहले संविधान के प्रति एक शपथ ली जाती है, निष्ठा की, सम्मान की, कि सभी को अपनी संविधान की रक्षा करना है। अगली जो विशेषता है वो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशीलता का समन्वय। हमारा संविधान कठोर भी है और नरम भी है, लचीला भी है। कुछ संशोधन जो संविधान में होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं, तो जब हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील। तो हमारे संविधान में दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। और कभी कभी हमारा जो संविधान होता है उसमें विशेष बहुमत की जटिल प्रक्रिया होती है वो, और इस प्रकार दो तिहाई बहुमत के साथ हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो कुछ संशोधन में साधारण हो जाता है और कुछ में एक विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय संविधान में 2018 तक 101 और ऐसे अभी तक 103 संशोधन हो चुके हैं। अब अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसको कुछ कारणों से स्वतंत्र रख दिया है ताकि वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अनुचित दबाव से मुक्त रह सके और अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक दे सके। इस प्रकार पांचवी जो 12वीं हमारी गुण है, विशेषता है, वो है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था। हमारे भारत देश में संसदीय प्रणाली है, इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। राष्ट्रपति प्रधान रहता है, लेकिन सारे काम मंत्रिमंडल, लोकसभा और प्रधानमंत्री की सलाह से किए जाते हैं। तो इस प्रकार शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये संसदीय प्रणाली की क्या है, विशेषता है हमारी ये संविधान। फिर है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। आपको मालूम है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो यदि कभी किसी व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाता है तो न्यायपालिका इसकी क्या करता है,
रक्षा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 6 हो गए। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो मौलिक अधिकार वाले पाठ में, जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार को अलग कर दिया गया है 1978 में। अब केवल कितने मौलिक अधिकार हैं, ये 1 से लेकर ये 6 तक। उसके बाद कुछ मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है, वो भी किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ दिए गए हैं। ये सब अपने नागरिकों की भलाई के लिए किए गए हैं कि जितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये मतलब एक नैतिक कर्तव्य कहना चाहिए कि जैसे हम प्राकृतिक वातावरण को दूषित होने से बचाएं, संपत्ति की रक्षा करें, आपस में मिलजुल कर रहें, इस प्रकार ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो जिससे कि इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। 15वां है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। ये आपको मालूम है कि नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। संविधान, हमारा संविधान का जो स्रोत था, हमने दूसरे देशों से भी नकल की है अच्छी चीजों की, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और इन्हें ऐसा मानते हैं कि ये संविधान के भाग है कि नहीं, लेकिन संविधान में इनका चतुर्थ अध्याय में इन तत्वों का उल्लेख किया गया है। फिर है 16वां अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। जब हमारा संविधान बना था तभी पहले ही यहाँ पर उन्होंने 10 10 वर्ष के लिए इन पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक के इनको विशेष संरक्षण दिया गया। ये 1969 तक दिया गया, लेकिन जब भी संविधान संशोधन होता था इसे बढ़ाते गए, और इसे 69वें संविधान संशोधन में इसे हम 2000 तक के लिए बढ़ा दिया गया, और ये अभी भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी हमें सबके साथ मिलाकर रखना है। फिर है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन मतलब जैसे कभी राष्ट्र में अचानक युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कभी दूसरी स्थिति वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, या कहीं पर जैसे भुखमरी या कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाएं देश में, तो उस समय ये संकटकालीन स्थिति में हम राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है। फिर है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआ छूत। तो ये अनुच्छेद जो 17 है हमारा संविधान में, उसमें अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है। सभी जाति के लोग समान ढंग से सभी जगह सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी राज्य जाति, मूल और वंश या वर्ग के आधार पर कोई भी नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। अगली विशेषता है विश्व शांति हेतु समर्थन। मेन जो हमारा उद्देश्य है, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं संविधान का दर्शन, उसमें है कि हम विश्व शांति चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। तो ये संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी बताया गया है। तो इस प्रकार ये हो गई संविधान की विशेषताएं। कोई भी संविधान खराब नहीं होता, कोई भी संविधान बुरा नहीं होता, लेकिन तो भी उसमें कुछ जो विद्वान लोग हैं कभी आलोचना कर देते हैं। तो इसकी पहली आलोचना ये थी कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है। किसी ने कहा कि ये अस्त व्यस्त है, बड़ा है लेकिन वो हमारे भारत की स्थितियों को देखकर बनाया गया है। तो और उसमें ये 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं, और अमेरिका का संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार ये बहुत विस्तृत संविधान है कि फिर ये भी था कि जब संविधान सभा बन रही थी तो उसमें माना गया कि सभी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सीधे जनता के द्वारा
नहीं चुने गए थे, वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुने हुए थे प्रतिनिधि। और फिर भारतीय संविधान विदेशी संविधानों से, तो हमने ये ठीक है कि हमने अच्छे देशों की कुछ प्रावधान अपने संविधान में शामिल किए। तो आलोचना संविधान पर होती रही, लेकिन वास्तव में हमारा संविधान इतना त्रुटिहीन नहीं है कि हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। संविधान की सीमाएं, संविधान की सीमाएं मतलब उसमें क्या-क्या कमियां थीं। तो ये आलोचना और ये सीमाएं मिलती जुलती हैं। तो इसमें बताया गया है कि संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है, और इसमें न्याय खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी इसकी सीमा थी कि इसमें जो मौलिक अधिकार हैं उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो ये संविधान की एक प्रकार की कमियां हैं, लेकिन ये कमियां इतनी गंभीर नहीं हैं कि हमें संविधान पर कोई खतरा पैदा हो। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का है, वो है कि संविधान की विशेषताएं बतलाइए। ये बहुत ही IMP प्रश्न है, इसको आप अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।